क्या हुआ? थक गया है? समझता हूं तुझे, जानता हूं तेरी परेशानियां। मुझे पता है कि हर बार हर इंसान सिर्फ इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके हालात बुरे रहते हैं, कई दफा वो इसलिए हार जाता है क्योंकि वो हारना चाहता है, क्योंकि शायद वो थक चुका होता है जीतने की कोशिश कर कर कर। अब तू भी कहीं अपने मन में वो सवाल तो नहीं ला रहा कि कहीं तू सच में गलत तो नहीं, कि कहीं तू सच में गलती तो नहीं कर रहा, कि कहीं वो जो बातें लोग करते थे कि जितने चादर उतने पैर, कि जो बातें वो लोग करते थे कि एक इंसान को अपने लिमिट में रहना चाहिए, जो जहां जन्मा है वहीं पर मर जाएगा, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो गरीब मरोगे, अगर आप छोटे कस्बे से हो तो छोटे कस्बे में रहोगे, वही लिमिटेशंस को तो सच तो नहीं मान रहा? अगर हाँ तो अपना हाथ अपने दिल पर रखना और उस समय खुद पर अनकंडीशनली भरोसा करते हुए खुद को याद दिलाना कि अच्छे बुरे दर्दनाक गंदे घटिया से घटिया हालातों में जब तू नहीं रुका, जब तेरी जेब में खाने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन आंखों में बड़े ख्वाब थे, जब घड़ी खरीदने की तेरी औकात नहीं थी लेकिन समय बदलने का जुनून था, जब दुनिया को तू छोड़ते ने माँ बाप को तुझ पर भरोसा नहीं था लेकिन तुझे खुद पर था, तू साला तब नहीं रुका तो अभी क्यों? क्यों पता है क्यों? शायद कई दफा इंसान को उसके हालात नहीं हराते, हराती है उसकी नाकाम कोशिशें, हराती है उसका अनकंडीशनल लव उसके काम के लिए। लेकिन जब ये दुनिया उससे पूछती है तूने क्या कमाया और ये जवाब नहीं दे पाता ना, तो खुद को छोटा मानने लग जाता है और खुद को अंडर एस्टिमेट करने लग जाता है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अपना हाथ अपने दिल पर रखकर खुद से एक आखिरी बार एक सवाल पूछकर बताना कि आखिर तू कैसी कहानी सुनना चाहेगा किसी की, कि एक इंसान एक कहानी के अंदर जन्म लेता है, उसको सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है और वो अकेले ही अपनी लाइफ को गुजार कर गुजर जाता है, दी एंड, या फिर एक ऐसा इंसान जो कि जन्म गलत जगह पर लेता है लेकिन अपने हक का पाने के लिए इस दुनिया से भिड़ जाता है, अपनी किस्मत से वो तक लेकर आ जाता है जो उसकी किस्मत में नहीं होता, एक ऐसा इंसान जो दुआ तो मांगता है लेकिन भीख नहीं, जो रातों को रोता है लेकिन रुकता नहीं, गिरता है लेकिन उठने से डरता नहीं, आखिर में इस दुनिया के ही लोगों के खिलाफ जाकर इस दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है, एक उम्मीद बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है। तू सोच आखिर किस कहानी का किरदार बनना चाहता है तू? तू डिसाइड कर, तेरी लाइफ है, बस तेरी जिंदगी में तेरा साथ देने के लिए, जब जब तू खुद को छोटा मानेगा तेरे को दोबारा याद दिलाने के लिए कि तू अनस्टॉपेबल है, मैं तो हूं। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, SG मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर, और मुझे आपके सपनों पर भरोसा है और आप अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे।